स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वैल्यू दी हुई है फंक्शन y इज इक्वल टू log 1 प्लस x इक्वल टू log 1 प्लस x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x कॉमा x इज ग्रेटर देन माइनस 1। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और कहा है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। हमें ये प्रूफ करना है, शो करना है कि दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होना चाहिए ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन, अपने डोमेन में। तो देखिए वही प्रोसेस रहेगा, क्या करेंगे इसका dy by dx फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इसका dy by dx फाइंड करेंगे, तो dy by dx आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x, दोबारा करेंगे x का 1 होता है एज इट इज रहेगा माइनस, अब इसका कीजिए डिवाइड रूल लगेगा 2 प्लस x एज इट इज और dy by dx 2x माइनस 2x dy by dx 2 प्लस x और 2 प्लस x का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस, यहां से देखिए 2 कॉमन है इसको रख लीजिए बाहर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस x इंटू x माइनस, इसका करेंगे तो ये तो 1 हो गया इंटू 1 माइनस x और इसका करेंगे ये भी 1 हो गया अपॉन 2 प्लस x का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं वैल्यू हमें मिलेगी 1 प्लस x माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये x से x रिमूव हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2 अपॉन 2 प्लस x होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 प्लस x 2 प्लस x होल स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, साथ साथ इसको ओपन कर लेते हैं 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, इससे ये कैंसिल, जब इसको सॉल्व करेंगे तो x कॉमन आएगा, उसके बाद अंदर रह जाएगा x प्लस 4 अपॉन 2 प्लस x का होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहां से हमें वैल्यू मिल रही है, अगर मैं इसको 0 रखूं तो ये 0 होने पे वैल्यू देगा 1 प्लस x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 और दूसरी वैल्यू हमें मिलेगी x इज इक्वल टू माइनस 2। देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्क्वायर होने की वजह से ये तो ऑलरेडी प्लस आएगा। अब इसने कहा है कि x की वैल्यू माइनस 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो माइनस 1 से बड़ी होने पे अगर मैं 0 लूं, x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो फिर उसके बाद में dy by dx फाइंड किया जाए, therefore we get ये 0 हो जाएगा, टोटल 0 होगा, सारी वैल्यू हमें क्या मिलेगी 0 मिलेगी। और यदि इसकी वैल्यू 1 ली जाए तो 1 पे देखिएगा dy by dx क्या मिलेगा, 1 पे वैल्यू मिलेगी 1 5 अपॉन 2 इंटू 9 5 अपॉन 18 विच इज ग्रेटर देन 0। यानी कि अगर मैं देखूं इसके डोमेन में, लेकिन ये होना चाहिए कि x की वैल्यू माइनस 1 से बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू अगर माइनस 1 से बड़ी है तो उसके लिए सारी वैल्यूज में ये फंक्शन कैसा मिलेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा। इसको तो डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको छोड़ करके जिस पे भी हम आगे वैल्यूज ले सकते हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ सारी वैल्यूज पर ये फंक्शन हमें क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा। तो यही हमें प्रूफ करना था कि इसके डोमेन में जहां पर x की वैल्यू माइनस 1 से बड़ी होगी ये फंक्शन इंक्रीज होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरह है, यहां हमें इंटरवल फाइंड करने हैं कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज होगा और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज होगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। इसको हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, कहां पर इंक्रीजिंग होगा, इस इंटरवल के अंदर, इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज होना चाहिए। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे,
देखिए पहले हम dy by dx निकालते हैं, dy by dx फाइंड करेंगे, डिवाइड रूल लगाएंगे, 2 प्लस cos थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 4 को बाहर रख लेते हैं, साइन का हो जाएगा cos x cos थीटा माइनस, अब साइन को रखेंगे, उसके बाद में इसका करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 का 0 माइनस साइन थीटा। टू प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन, विद रेस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं ना, इसलिए हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन। अब ये वैल्यू हो जाएगी डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 4, ऐसे ही रहेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो वैल्यू यहां से मिलेगी 2 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन। फिर इसको सॉल्व करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस वन। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें यहां से ये वैल्यू क्या मिलेगी वन, तो ये हो जाएगा वन प्लस टू कॉस थीटा अपॉन टू प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा, देयरफॉर वी गेटिंग डी वाई बाई डी थीटा 4, एलसीएम लेंगे तो यहां वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये एलसीएम लिया तो ये 4 अंदर आएगा, 4 इंटू 1 प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 8 कॉस थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस फोर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, dy by d थीटा इज इक्वल टू, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां वैल्यू बचेगी 8 थीटा, ये प्लस 4 ये बचेगा 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ऊपर से कॉस थीटा कॉमन लीजिए, 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हमें बताना है, इंटरवल दिया हुआ है, इंटरवल क्या है 0 से पाई बाई 2, इस इंटरवल की अब हम बात करें तो यहां पे हमें क्या मिलेगा 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 यहां कॉस कैसा मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, कॉस की वैल्यू यहां पर पॉजिटिव मिलेगी, तो यहां जब पॉजिटिव मिला इसका मतलब है 2 कॉस थीटा स्क्वायर होने से चाहे कैसा भी मिले लेकिन ये इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मिलेगा, और कॉस थीटा ये भी 0 से बड़ा हो गया, 4 माइनस कॉस थीटा इसकी वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो माइनस वन से प्लस वन के बीच में लाई करती है, बिटवीन इन बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन, यहां कोई भी वैल्यू अगर हम रखें तो उसकी वैल्यू 4 में से माइनस करने पे क्या मिलेगी ग्रेटर देन ही मिलेगी, इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 0। देयरफॉर इंप्लाइज दैट dy बाय d थीटा इन द इंटरवल 0 टू पाई बाय 2 इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 पे क्या हो जाएगा फंक्शन इज इंक्रीजिंग, दैट इज प्रूव, यही हमें प्रूव करना था कि फंक्शन इंक्रीज होगा किस पर 0 और पाई बाय 2 इंटरवल पर।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इनफाइनाइट। एक इंटरवल दिया है 0 टू इनफाइनाइट, इसमें बताना है कि कोई भी लॉग का फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो हम यहां पर लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू log x, ये फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन। तो अब इसमें क्या करना है, पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रेस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x, वैल्यू आ गई 1 अपॉन x। अब देखिए 1 अपॉन x में अगर हमारी वैल्यू या 0 तो हो नहीं सकती, जीरो नहीं हो सकती, जीरो को छोड़ करके अगर जीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू यहाँ रखी जाए तो कोई भी वैल्यू मिलने पे, क्योंकि इंटरवल हमें दिया है अगर नंबर लाइन में लें 0 टू इनफाइनाइट, इस इंटरवल की बात की गई है, तो यहां से लेकर यहां तक आप x की कोई भी वैल्यू लें जो कि जीरो से बड़ी होगी, हर वैल्यू के लिए ये हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, प्लस मिलेगा। तो इसका मतलब है कि dy by dx एट एवरी वैल्यू ऑफ x विच इज ग्रेटर देन जीरो इज क्या मिलेगी, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि dy by dx इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। और जब ये ग्रेटर देन जीरो मिलेगा इसका मतलब है द गिवन फंक्शन, गिवन लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, यही हमें इसमें प्रूफ करना था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये फंक्शन दिया हुआ है और कहा गया है नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल, इंटरवल दिया है माइनस वन से वन। तो हमें ये बताना है कि ये नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग, ना तो इंक्रीजिंग होगा ना ही ये डिक्रीजिंग होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका डैश लेंगे, डैश लेने पे हमें वैल्यू मिलेगी 2x माइनस 1। इसको क्या करेंगे, वैसे तो देखिए हमें इंटरवल यहाँ दिया हुआ है, पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें अगर ये वैल्यू 0 हो जाए तो 2x माइनस 1 0, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो इसका मतलब है अगर नंबर लाइन पे इसको शो करें माइनस इंफिनिटिव टू इंफिनिटिव, वैल्यू हमें इन दोनों के बीच में यानी कि माइनस वन और प्लस वन के बीच में एक वैल्यू हमें मिली 1/2। तो अब हमें ये बताना है कि इस इंटरवल के अंदर, इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग होगा और ना ही वो डिक्रीजिंग होगा। तो पहले हम इसके लिए चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या स्थिति आती है, यहाँ क्या होगा अगर यहाँ माइनस वन से बड़ी कोई भी वैल्यू, पहले जीरो ले लेते हैं क्योंकि अगर जीरो रखा जाए इस एफ डैश जीरो अगर हम फाइंड करें तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस वन विच इज लेस देन जीरो। इसका मतलब है कि अगर यहां बात की जाए तो ये नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अब बात करते हैं 1/2 और 1 के बीच में, 1/2 1 के बीच में कोई और फंक्शन ले लीजिएगा, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, सपोज करो हमने यहां वैल्यू ले ली 1/3 ले ली, तो रखिएगा वैल्यू एफ डैश 1/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस 1। 1/3 तो चूंकि इससे कम हो गई, इससे बड़ी लेनी है, बड़ी वैल्यू हम ले लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब चेक करते हैं 1/2 और 1 के बीच में, अगर यहां 3/4 वैल्यू ली जाए तो एफ डैश 3/4 हो जाएगा 2 × 3/4 माइनस 1, 2 × 4 दैट इज 1/2 विच इज ग्रेटर देन 0। यानी इसके बीच में जब हम बात करेंगे तो यहां हमें फंक्शन इंक्रीजिंग मिलेगा क्योंकि पॉजिटिव मिल रहा है, जीरो से बड़ा होगा। तो अब देखिए दोनों कंडीशन आ रही हैं, यहां से यहां तक फंक्शन डिक्रीज, यहां से यहां लेंगे तो फंक्शन इंक्रीज, लेकिन अगर हम बात करें माइनस वन और प्लस वन के बीच में
तो ना तो यहाँ डिक्रीज हो रहा है ना इंक्रीज हो रहा है, दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो क्या मिल रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन मिल रहा है, फिर यहाँ इंक्रीजिंग मिल रहा है। अब ये दोनों कंडीशन एक ही साथ आ जाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, न इंक्रीजिंग होगा न डिक्रीजिंग होगा ऑन इंटरवल माइनस वन से प्लस वन, माइनस वन और प्लस वन के बीच में इंक्रीज भी नहीं होगा और डिक्रीज भी नहीं होगा, यही इसमें हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाय 2 के बीच में, बताना है कि कौन कौन से फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज होंगे। तो देखिए इसमें अगर हम इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं तो dy by dx is equal to minus sin x, minus sin x, अब sin x की अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक की बात की गई है, यहां से यहां तक sin की वैल्यू, sin थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन यह नेगेटिव साइन होने की वजह से ये वैल्यू क्या हो जाएगी dy by dx की इज लेस देन जीरो, ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी लेस देन जीरो, इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग हो जाएगा ऑन जीरो टू पाई बाई टू। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में दिया हुआ है कॉस टू एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉस टू एक्स, वही डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहां वैल्यू हमें मिलेगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन टू एक्स इंटू टू। तो अब वैल्यू पहले हमें ये देखना पड़ेगा, अगर थीटा था तो यहां से यहां तक लाई कर रहा था, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारी कहां से थी जीरो और पाई बाई टू के बीच में थी, लेकिन अब यहां क्या दिया हुआ है टू एक्स एंगल दिया हुआ है, तो हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे, सारे में टू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो इज ग्रेटर देन टू एक्स इज लेस देन पाई। तो अब वैल्यू हमारी कहां आ गई जीरो से पाई, जीरो से पाई आने पे कहां पहुंच गया यहां पहुंच गया साइन का फंक्शन, तो यहां सारे में साइन फंक्शन क्या होता है बड़ा होता है, यानी कि जीरो से वैल्यू बड़ी होगी तो वैल्यू यहां भी साइन टू एक्स की जीरो से बड़ी आ जाएगी, लेकिन ये नेगेटिव साइन होने की वजह से, इसकी वजह से ये फंक्शन हमारा dy by dx का इज लेस देन जीरो होगा, इसका मतलब है कि ये फंक्शन डिक्रीज होगा ऑन जीरो टू पाई बाई टू। थर्ड देखते हैं सी, सी में कहा गया है cos 3x, तो y इज इक्वल टू cos 3x की बात करते हैं, डिफ्रेंशिएट, नाउ dy by dx इज इक्वल टू माइनस थ्री साइन थ्री एक्स, अब इस थ्री एक्स के बारे में जिक्र करते हैं तो थ्री एक्स का क्या होगा, वैल्यू दी हुई है x की पाई बाई टू के बीच, तो यहां हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी जीरो इज लेस देन थ्री एक्स इज लेस देन थ्री पाई बाई टू, तो ये कहां पहुंचेगा ये वैल्यू अब यहां आ जाएगी, तो यहां से यहां तक तो साइन हमारा प्लस होगा और यहां से यहां तक साइन हमारा क्या होगा नेगेटिव, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यह दो कंडीशन बन रही हैं, एक जगह तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है दूसरी जगह फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो अब एक ही कंडीशन में दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, ना तो ये इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा ऑन किसके बीच जीरो और पाई बाई टू के बीच। थर्ड फोर्थ कंडीशन में दिया हुआ है फोर्थ पार्ट y इज इक्वल टू टेन एक्स, अब टेन एक्स की बात करते हैं तो y dy by dx हो जाएगा, tan का क्या होता है जब tan का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x आता है, जिसका मतलब है कि sec x का होल स्क्वायर, अब यहां sec की चाहे वैल्यू कुछ भी हम रखें प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो तो सीधी सी बात है कि उसका स्क्वायर करने पे dy by dx की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी मिलेगी, इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ऑन जीरो टू पाई बाई टू, जीरो टू पाई बाई टू के बीच में कैसा होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13, 13 में दिया है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स
इन द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कि किस इंटरवल पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100 एक्स की पावर 99, अब यहां रखिएगा ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, ये जीरो हो गया। तो देखिए पहले वाले को चेक करते हैं, पहला दिया है इन्होंने जीरो और वन, जीरो वन की अगर हम बात करें तो यहां वैल्यू जीरो के वन के बीच में रखेंगे तो ये तो जीरो से बड़ा ही होगा, यानी कि ये तो इंक्रीजिंग हो गया। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ऑप्शन ए हमारा कट गया, नहीं होगा। अब बी पे आइएगा, पाई बाय टू और पाई की बात की गई है, पाई बाय टू टू पाई यहां आ गया, यहां हमारा कॉस कैसा होगा, नेगेटिव होगा, कॉस एक्स हमें नेगेटिव मिलेगा। और इसकी बात करें ये वैल्यू अगर हम देखें यहां तो फंक्शन ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी वैल्यू यहाँ आए मुझे नहीं लगता कि ये भी हमारी माइनस होगी, तो ये वैल्यू हमें यहाँ भी ग्रेटर देन मिलेगी, सेकंड वाला ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि ग्रेडियंट रेडियंट में हम वैल्यू रखे हैं तो इसकी वैल्यू प्लस नहीं बन के आएगी। आगे चलते हैं, थर्ड दिया है जीरो टू पाई बाई टू, अब जीरो टू पाई बाई टू यहाँ ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो ऑप्शन सी ये भी हमारा नहीं होगा। तो क्या बचा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, यहाँ कोई भी ऐसा इंटरवल नहीं है जिस पे फंक्शन डिक्रीज हो। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, यानी कि ए की वो कम से कम छोटी से छोटी वैल्यू पूछा है जिस पर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1, 2, यानी कि इंटरवल यहां दिया है 1, 2, इसमें ही हमारा क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो देखिए पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x प्लस a आएगा। अब ये वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, सिंस द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 100% जीरो से बड़ी होगी। तो देखते हैं 2x प्लस a इज आल्सो ग्रेटर देन जीरो, अब इसने कहा है 1 और 2, अगर ये लीस्ट वैल्यू लेनी है तो लीस्ट वैल्यू क्या है इसमें 1, तो यहां x की वैल्यू 1 रख दीजिए, 2 into 1 plus a is greater than 0, तो a is greater than minus 2, a की लीस्ट वैल्यू minus 2 से बड़ी होनी चाहिए इस फंक्शन को इंक्रीज होने के लिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, लेट i बी द इंटरवल disjoint from minus 1 to 1, प्रूव दैट द फंक्शन f is given by, फंक्शन दिया हुआ है fx is equal to x plus 1 upon x is strictly increasing on i। अब देखिए यहां अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं तो यहां नंबर लाइन में साफ दिया हुआ है क्लियरली माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट माइनस 1 to 1, यानी कि इस वैल्यूज को यहां से यहां तक की वैल्यूज इसमें इंक्लूड नहीं होंगी, डिसजॉइंट का मतलब है कि इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। इट मींस अगर हम रियल नंबर में से क्या निकाल दें, माइनस वन और वन निकाल दें, तो इसका मतलब है बाकी पर ये क्या हो जाना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, इसको यहां से रिमूव करना है। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये वन हो जाएगा, इसका वन अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। अब देखिए ये वैल्यू तो हमें रखनी ही नहीं है, इससे कम पे लीजिएगा, माइनस वन से कम पे माइनस टू अगर मैं लू यहाँ पे एफ डैश माइनस टू अगर देखा जाए तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी, वन, अब यहां माइनस टू, माइनस टू का मतलब क्या है ये प्लस हो जाएगा, वन अपॉन फोर, इस पे फर्क तो पड़ेगा नहीं, वन अपॉन फोर और वैल्यू आ जाएगी 3/4, मतलब ये वैल्यू स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन जीरो आ जाएगी।
अच्छा बाकी पे देखते हैं, इससे आगे लेना है, यानी कि इससे आगे का मतलब हो गया अगर टू पे मैं चेक करूं तो टू पे भी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, एफ डैश टू लीजिए, वो भी हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 - 1/4, इट मीन्स ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि इसको अगर छोड़ दिया जाए, माइनस वन और वन को छोड़ दिया जाए, इनके बीच इस सारी वैल्यूज को छोड़ दिया जाए, तो इसका मतलब है कि बाकी पे वैल्यू फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ भी प्लस आ रहा है, यहाँ भी प्लस आ रहा है, तो हम कह सकते हैं नाउ वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई में से किसको निकाल दीजिए, माइनस वन और वन को निकाल दीजिएगा, बाकी सब पर क्या हो जाएगा, वो फंक्शन इंक्रीज होगा। नंबर 16 में प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाय log sin x is strictly increase on 0 to pi by 2 and decrease pi by 2 to pi। ये हमें प्रूव करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन लेंगे, ये हो जाएगा log sin x का 1 upon sin x, और sin x का दोबारा करेंगे तो cos x होगा। तो f dash x की अगर बात करें तो ये वैल्यू आ गई cot x। cot x में देखिएगा, चेक कीजिए, 0 to pi by 2 यहाँ हो गया, क्योंकि यहाँ ऑल प्लस होते हैं, यानी कि सारे रेशो हमें अगर यहां से यहां तक देखने 0 टू पाई बाई 2 तक, ये सारे रेशो प्लस होंगे। इसका मतलब है कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0 किस पर, ऑन 0 टू पाई बाई 2। अब जब ये ग्रेटर देन 0 है, दैट इज द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। अब चेक करना है हमें कहां से, पाई बाई 2। अब हमें ये चेक करना है कि यहां क्या होगा, यहां पे हमारा cot क्या होता है, cot x या cot थीटा नेगेटिव होता है, नेगेटिव वैल्यू देगा, cot और tan ये सब नेगेटिव होते हैं केवल साइन को छोड़ करके, भाई a s t c, तो इसका मतलब है साइन के अलावा सब नेगेटिव होंगे। अब बात की गई थी हमारी सेकंड क्वाड्रेंट की, तो यहां पर सिंस लिख देता हूं मैं, इन सेकंड क्वाड्रेंट cot x इज लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव होगा, therefore f dash x is also less than 0। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, strictly decreasing हो जाएगा on pi by 2 to pi, इसके बीच में हमारा क्या होगा, strictly decrease हो जाएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, prove that the function fx is equal to log cos x। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग करके देखिएगा, ये क्वेश्चन सेम बिल्कुल 16 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, 18 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 में प्रूव दैट द फंक्शन इज गिवन बाय x³ - 3x² + 3x - 100 इज इंक्रीजिंग इन r, r में इंक्रीजिंग होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो ये हो जाएगा 3x² - 6x, तो इसका डैश निकालेंगे, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, इसको जीरो के इक्वल रखिए, वैल्यू मिलेगी, थ्री कॉमन लेंगे, x² - 2x + 1 = 0। तो x² - 2x + 1 = 0, x - 1² = 0, एक्स की वैल्यू हमारी 1 मिली। तो देखते हैं जरा, अगर यहाँ हम बात करें, ये 1 हो गया, ये माइनस इन्फिनेटिव और ये प्लस इन्फिनेटिव, इसके बीच में अगर हम चेक करें दोनों के बीच में वैल्यू, जीरो से हम देखें तो एफ डैश जीरो कितना आ जाएगा, यहाँ ये वैल्यू रखेंगे 0 0, 3 आएगा, विच इज ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ प्लस मिलेगा। अब इससे बड़ा ले लेते हैं, 2 पर देख लेते हैं, 2 पर चेक किया एफ डैश एक्स, एफ डैश 2 ले लेंगे, तो 2 में हो जाएगा 3 4 12 + 3 12, और ये 3 आएगा, विच इज ग्रेटर देन 0, तो ये वैल्यू भी हमारी 0 मिलेगी। बस 1 पे हमें नहीं मिलेगा, 1 को छोड़ करके यहाँ पूरा क्या मिलेगा, ये इंक्रीजिंग होगा। तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग हो जाएगा इन आर, रियल नंबर में सभी में इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, इसका बताना है कि ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, ये बताना है किस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन इंक्रीज होगा। तो पहले इंटरवल निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज
सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर माइनस एक्स, अब सेकंड को रखिए और डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू टू एक्स। तो यहां से अब हम कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन आ रहा है, ई की पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ एक्स बचेगा माइनस एक्स, एक्स ई की पावर एक्स कॉमन आया प्लस टू बचेगा। तो अब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए डी वाई बाई डी एक्स की, जीरो होनी चाहिए। तो यहां से हमें एक्स ई की पावर माइनस एक्स टू माइनस एक्स क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो एक तो एक्स इज इक्वल टू जीरो मिला, दूसरा हमें यहां से एक्स इज इक्वल टू टू मिला, और थर्ड ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है ये जीरो कब होगा, जब ये वैल्यू इनफाइनाइट होगी ई की पावर, या इसको सॉल्व कर लेते हैं वन अपॉन ई की पावर एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो अपॉन वन, इसको यहां ले आइए, तो ये मिलेगा e की पावर x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये वैल्यू इनफाइनाइट मिलेगी, यानी कि यहां से वैल्यू नहीं निकलेगी। तो x की वैल्यू कहां कहां मिली हमें, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, और बीच में क्या क्या आया, एक तो जीरो आया और एक आया हमारा टू आया। अब हमें ये चेक करना है कि किसके बीच में क्या होगा। देखिए अगर मैं इन दोनों के बीच में लूं, सपोज करो माइनस वन ले लेते हैं, हम लेते हैं dy by dx की वैल्यू एट x इज इक्वल टू माइनस वन पे चेक करते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस वन e की पावर वन रहेगा, और ये वैल्यू माइनस वन माइनस प्लस हो जाएगी प्लस टू, यहां से हमें मिलेगा नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो, यानी कि यहाँ पे हमें फंक्शन मिलेगा डिक्रीज। अब जीरो टू टू के बीच में, तो वन ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू वन रख करके देखते हैं, dy by dx at x is equal to 1, ये हो जाएगा 1 e की पावर माइनस वन माइनस वन प्लस टू, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन e, और यहाँ से वैल्यू मिलेगी प्लस वन विच इज ग्रेटर देन जीरो, यहाँ मिलेगा हमारा प्लस में। अब इससे ऊपर ले लेते हैं, x की वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो dy by dx चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 3 पर, तो 3 e की पावर माइनस 3 और यहाँ माइनस थ्री प्लस टू, तो ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी विच इज लेस देन जीरो, यानी कि यहाँ भी हमें नेगेटिव मिलेगा। तो फंक्शन कहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन इंक्रीज होगा ऑन द इंटरवल जीरो टू, जीरो टू में इंक्रीज होगा, दैट इज द ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, अगर इसमें कहीं किसी को कोई डाउट होता है, प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।